देश के दूसरे प्रगतिशील शहरों की तरह जम्मू भी ट्रैफिक की बहुतायत से जूझ रहा है। वाहनों की तेजी से बढ़ रही संख्या व सड़कों का उसी अनुपात में विस्तार न होने के कारण पूरा दिन शहरवासी जैम में फंसे रहते हैं। उस पर अतिक्रमण और हमारे गैर जिम्मेदाराना रवैये ने स्थिति को और भी चिंताजनक बना दिया है। पिछली सरकार ने इस बढ़ती ट्रैफिक को नियमित करने के लिए जम्मू शहर में ट्रैफिक लाइट्स लगवाई। इन्हें लगवाने से पहले हाउसिंग व अर्बन डेवलपमेंट विभाग ने बकायदा सर्वे करवाकर इन चौराहों तथा तिराहों की पहचान की जहां ये ट्रैफिक लाइटें लगाई जानी थी। पर लगने के कुछ ही हफ्तों के बाद ट्रैफिक पुलिस ने एक दिन ये दरियाफ्त किया कि कुछ लाइटें फिजिबल नहीं है और उन्हें बंद कर दिया जाए। अब जो बच गई उनकी इस कदर बेकदरी की गई कि रोज रोज अपमान सहते सहते उन्होंने खुद ही अपनी आंखें सदा के लिए मूंद ली। अचरज की बात यह है कि ऐसी अनदेखी के बावजूद आज भी इक्का दुक्का ट्रैफिक लाइटों में जान बाकी है। ऐसी सूरत में प्रशासन ने शहर में और ट्रैफिक लाइटें लगवाने का मन बनाया है। अब पुरानी बंद पड़ी लाइटों से शायद प्रशासन का भी कोई सरोकार बाकी नहीं रहा और बस नई लाइटों की ही आमद-आमद है। सुनते हैं सरकार ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने की रकम बढ़ा दी है। अब शायद लोग आंख उठाकर इन ट्रैफिक लाइटों की ओर देखने की जहमत करें। पर उससे पहले क्या अंधी हो चुकी ट्रैफिक लाइटों की आंखों की लाइट कोई लौटाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, अर्ली टाइम्स।